नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र। आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता। जिस देश का प्रधानमंत्री खुद दो दो प्राइवेट एरोप्लेन खरीद लेता है, वो भी कोरोना काल के अंदर हवाई जहाज के अंदर घूमता है, लेकिन उसी देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में लोगों के पास में शवों को ढोने के लिए, लाशों को ढोने के लिए भी साधन नहीं हो। इससे ज्यादा शर्मनाक और कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता। वो प्रधानमंत्री जो लाखों रुपए अपने सूट बूट पर खर्च कर दे, वो प्रधानमंत्री जो अपने चश्मे के ऊपर लाखों रुपए खर्च कर दे, और उस देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के अंदर लोगों के पास में लाश को ढोने के लिए एम्बुलेंस तक ना हो। जिंदा आदमी की छोड़ दीजिए आप, लाश उसको ढोने के लिए एम्बुलेंस ना हो, उस देश के प्रधानमंत्री और उस देश के प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र के लोग क्या करें, यह बड़ा सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि किस तरह से इतना सब कुछ हो रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहा जा रहा धैर्य बना करके रखिए, शांति बना करके रखिए। कैसे इतना सब कुछ हो रहा है उसके बावजूद हम बात कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, उनके संसदीय क्षेत्र वाराणसी की। और आपको जानकर के आश्चर्य होगा कि वाराणसी के अंदर, पहले हमने आपको जो खबर दिखाई थी कि गुजरात के अंदर चिमनियां भट्टियां पिंगल गई हैं, 2400 घंटे लाश जल रही है, और अब वो गुजरात मॉडल वाराणसी पहुंच गया है, उत्तर प्रदेश पहुंच गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जहां से प्रधानमंत्री चुन करके आते हैं, सोचिए इन लोगों का क्या कसूर है, दो बार प्रधानमंत्री को भेजा चुन करके, और किस तरह से वाराणसी के अंदर अब भट्टियां पिघल गई है, 2400 घंटे वाराणसी में लाशें जल रही हैं, भट्टियां पिघल गई है। क्या अब भी आपको लगता है कि धैर्य बनाकर के लोगों को रखना चाहिए, शांति बनाकर के लोगों को रखना चाहिए? सबसे बड़ा सवाल है। कुछ एक तस्वीरें आपको दिखाते हैं, एक वीडियो आपको दिखाएंगे। ये वीडियो कई सारे लोगों ने पोस्ट किया है, News24 पे भी है, कई सारे लोगों ने ये पोस्ट किया है। राकेश सिहाग है और इन्होंने लिखा है, वाराणसी में लोग ऑटो की छत पर शव ढो रहे हैं, लाश ढो रहे हैं, और यहां से चुने हुए गुजराती सांसद 3 जहाज लेकर के उड़ते हैं। गुजराती सांसद वो अपनी तरफ से तंज कस रहे हैं। देखिए किस तरह से, ये तस्वीर आप देखिए ऑटो की, कि यहां पर जो है ऑटो के ऊपर शव को ढोया जा रहा है, और उसके बाद में आपको दिखाएंगे कि चिमनियां भट्टियां पिघल गई है गुजरात के अंदर, वाराणसी के अंदर, क्योंकि 2400 घंटे लाशें जल रही है। लेकिन पहले आप ये देखिए कि ऑटो के ऊपर लाश ले जाई जा रही है। इसी वाराणसी के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस वाराणसी को क्यूटो बना देंगे। क्यूटो बनाने का सपना लोगों को दिखाया था, वाराणसी के लोगों को सपना दिखाया था, और अब हालत क्या हो रही है आप देखिए। News24 की खबर है, वाराणसी में लगातार कोरोना के मृतकों के सौदाह से पिंगला गैस सौदाह ग्रह के ब्लोवर का फैन बंद हुआ। सौदाह ग्रह जो पंखा होता है वो पिघल गया, इतनी आग इतनी तपिश, पंखा पिघल गया, बंद हो गया सौदाग्रह, है विद्युत सौदाग्रह बंद हो गया। लेकिन किसी का पत्थर दिल अभी तक नहीं पिघला है, यह सबसे बड़ी बात है। वाराणसी के हरिश्चंद्र घाट पर स्थित गैस सौदाग्रह में 2 मशीनों पर 24 घंटे में हो रहा है सौदाग्रह। तो किस तरह से जो है सौदाह हो रहा है, लोगों को लोगों की लाशों को जलाया जा रहा है 2400 घंटे, ये हालात वाराणसी के हैं। सोचिए कि देश के हालात क्या होंगे जब प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को नहीं संभाल पाए, देश को क्या संभालेंगे? जो प्रधानमंत्री अपने संसदीय क्षेत्र को उसकी सुध नहीं ले पा रहे हैं, आपको लग रहा है कि वो आपकी सुध लेंगे, हमारी सुध लेंगे, किसी और की सुध लेंगे? कहां पर उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर, बिहार के अंदर कोई दूर दराज पर बैठा हुआ व्यक्ति क्या उम्मीद करे वो कि उस तक मोदी सरकार की सुविधाएं पहुंचेंगी? वो अपने संसदीय क्षेत्र को नहीं संभाल पा रहे हैं, हालात ये बद से बदतर है। और देखिए केवल वाराणसी की बात भी ना कहें, योगी आदित्यनाथ ऊपर मोदी नीचे योगी, डबल इंजन गया बेड़ा गर्क में,
डबल इंजन की बार बार वो बात करते ना, ऊपर मोदी नीचे योगी, इससे बड़ा तो इनका डबल इंजन और कौन होगा, इससे ज्यादा शक्तिशाली इनका डबल इंजन और कौन होगा। लेकिन उस डबल इंजन की हकीकत देखिए, और बंगाल के लोग जो डबल इंजन को देख रहे हो सपना कि डबल इंजन की सरकार बनाएंगे, उनको एक बार ये तस्वीर देख लेनी चाहिए। लखनऊ के अंदर, प्रदेश की राजधानी लखनऊ के अंदर, लखनऊ के अंदर एम्बुलेंस नहीं है। अब स्कूल की वैन को लाशें ढोने के लिए, मरीजों को अस्पताल पहुंचाने के लिए अब उपयोग में लाया जा रहा है। यह हालत है। लखनऊ की बात करिए, वाराणसी की बात करिए, कानपुर की बात करिए, गोरखपुर की बात करिए, जहां मर्जी की बात करिए, नोएडा की बात करिए, गाजियाबाद की बात करिए, पूरा उत्तर प्रदेश किस तरह से चरमराया हुआ है। डबल इंजन की सरकार है यहां पर। एक तरफ योगी आदित्यनाथ महाराज हैं, दूसरे तरफ नरेंद्र मोदी जी हैं। बाहुबली, क्या बाहुबली की हालत है। ऐसे होते हैं देश के बाहुबली, ऐसे होते हैं देश के प्रधानमंत्री। यकीनी तौर पर अब नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री की तरह से व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से वो काम कर रहे हैं वो प्रधानमंत्री का काम नहीं है। और योगी आदित्यनाथ को भी एक मुख्यमंत्री की तरीके से काम करना चाहिए। महाराज वगैरह आप बाद में बन लीजिएगा, पहले मुख्यमंत्री बनिए। देखिए लखनऊ के अंदर किस तरह से एम्बुलेंस के अंदर मरीजों को ले जाया जा रहा है, शवों को लाया जा रहा है। ये लखनऊ की हालत है, देखिए आप। सरकार की आंखों में अगर जरा भी पानी है, जरा भी अगर इन सरकार की आंखों में पानी है, तो इनको शर्म से डूब मरना चाहिए अपनी आंखों के पानी से। चलू का पानी तो बहुत छोटा होता है। किस तरह के हालात हैं देश में, लोग हाहाकार करके मर रहे हैं। और हमने आपको कल परसों ही आपको दिखाया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश में जो भक्त हैं, भक्त भी अब मर रहे हैं, उनको भी सुविधा नहीं मिल रही है। वाराणसी की एक लड़की की खबर हमने आपको दिखाई थी, किस तरह से वो वाराणसी का वो लड़का कह रहा था कि काशी खुदेगा, मथुरा खुदेगा, बनारस खुदेगा, सब लोग खुदेंगे, अयोध्या खुदेगा, जहां जहां खुदा है सब खुदेगा। वो मुसलमानों के पीछे पड़ा हुआ था, अपना एजेंडा चला रहा था भक्त की बनकर के, आईटी सेल में प्रयोग हो रहा था अपने आप को। लेकिन उसकी कैसे एक हफ्ते बाद में तड़प तड़प करके मौत हो गई, और कोई पूछने वाला नहीं था। जो बाबरी मस्जिद वालों को शहीद करने वालों की खुशियां मना रहे थे, वो मर गए। वो लोग बंद करिए अब भी मस्जिद, अब भी कम से कम जो है वो समय बचा है उसको अस्पताल के ऊपर फोकस करिए कि अस्पताल में कैसे बेहतर व्यवस्थाएं हो। क्योंकि प्रधानमंत्री का संसदीय क्षेत्र हो, मुख्यमंत्री का संसदीय क्षेत्र हो, चाहे राजनाथ सिंह का संसदीय क्षेत्र हो, किस तरह से सारे के सारे चरमराए हुए हैं। ये हालात है उत्तर प्रदेश के। मुख्यमंत्री हो, सब के सब ने हाथ खड़े कर दिए हैं, पब्लिक जाए भाड़ में। और अब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वो किसी दिन टीवी पर आकर के फिर कह देंगे काशी को क्यूटो बना दिया है, देखिए पहले ये नहीं था अब ये हो गया। इन तस्वीरों को आप सहेज करके जरूर रखिएगा, क्योंकि जिसका एक बार घर से जो कोई अपना चला गया, उसके लिए पूरी उम्र चली गई। आप उसके लिए कुछ भी कर लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, उसका घर खत्म हो गया, उसके घर पर ताला लग गया। किसी मां का एक बेटा है, वो चला गया, उसके चले जाने के बाद में आप काशी को क्यूटो क्या कुछ भी बना दीजिए, लेकिन उसके घर पे ताला लग गया। और इसीलिए गुस्सा आता है कि ऐसी सरकार है, ऐसे मुख्यमंत्री हैं, किस तरह से मंदिर मस्जिद के नाम पर लोगों को भिड़ाए रखा और अस्पताल में सुविधाएं नहीं होने दी। देख करके रोना आता है देश के हालात को। लोगों तक सच पहुंचाइए, लोगों तक दिखाइए कि क्या हो रहा है, लोग इन तस्वीरों को देख सकें, समझ सकें कि कैसे कैसे हालात हैं। और कम से कम अब तो मंदिर मस्जिद के नाम पर लड़ना बंद करें, अस्पताल के नाम पर, शिक्षा के नाम पर, चिकित्सा के नाम पर लोग बात करनी शुरू करें। सबसे बड़ा सवाल यही। इस खबर को लोगों तक शेयर करिए, अगर आप इस खबर को सही मानते हैं तो। धन्यवाद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर दबाएं।